हेलो, स्वागत है आप सबका सपना ब्लॉग में। तुम्हारा मैं आज निकली हूँ शॉपिंग के लिए, थोड़े गर्म कपड़े खरीदने के लिए। ये मैं देख रही तो कह रहे सेम एक ऐसा पहनी हूँ, दूसरा फिर ऐसा क्यों देख रही हूँ। हमने कहा देख रहे हैं, पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात ही नहीं। कुछ खास नहीं लग रहा था, गई थी बस देख। अभी तो किसी दूसरी लेडीज़ का हाथ पकड़ के जा रहे थे, किसी हमारे दो के किसी दूसरी लेडीज़ का हाथ पकड़ के जा रहे थे, कह रहे अभी हमारा पीके होने लगती तुम्हारे चक्कर। क्या है ये चाय वाली केतली? अच्छी है ना? बढ़िया है, बढ़िया लग रही। सुंदर लग रही ना? ले 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 लो, सजाएंगे। गलती से उठाया तो फिर इसकी जरूरत है, एक ले लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा। जी हाँ, ये रखा गाँव का अलग जैकेट की मार्केट प्राइस है 70-90 रुपये। क्या खा रहे हो? टिक्की। टिक्की खा रहे हैं, बहुत सस्ती टिक्की यहाँ पे मिलती है। कितने रुपए? 10 रुपए ना? हाँ, 10 रुपए की दो टिक्की मिलती है, और हमारे हमारी तरफ मिलती है 30 से 35 रुपए का ना, हमारी तरफ 30 रुपए। भैया कितने का है ये? 12 रुपए प्लेट। 12 रुपए प्लेट मिली है, देखो पहले। वो भी 20 का है। लाना है एक ले ले। ये चार सीट नहीं लाया था ना? नहीं, और ले, और लेना हो ले लो, गन्ने का जूस निकालने के लिए। ने पॉलीथीन दिया, मेरे से गुनाज बता से कच्चे चबाती हैं ऐसे ही। पहले पापा मेरे पकड़ के ऐसे से करते थे, ये सब धूप में बाल मेरे सफेद हो गए, देखो ये सब मेरे बाल भी काले थे। ये क्या हो रहा है? ये भगवान के चौक बना रहे हैं, चौक। और यहाँ तो लाइट, तो यहाँ तक तो खंभा भी नहीं पहुँचता अपना यार। देर हो गई ना? अरे चलो, भगवान की चौक बनाइए। मैंने चावल भिगोए थे, चावल से हमारे यहाँ चौक बनती है, आंगन में बनती है। मेरे यहाँ आंगन नहीं है तो मैंने छत पे बनाई, वो अंधेरा लग रहा था, मोबाइल जला के जैसे तैसे मैंने काम किया। हमारे यहाँ ये पूजा ना जेंट्स लोग करते हैं जिनका जनेऊ हो जाता है, तो हमारे यहाँ हस्बैंड पूजा करते हैं क्योंकि इनका जनेऊ भी हो गया, उनकी शादी भी हो गई है। हम लोग पूजा नहीं करते हैं, लेडीज़ हमारे यहाँ नहीं करती हैं, जेंट्स ही करते हैं। हम लोग करते हैं मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मेन पूजा जनेऊ वाले ही करते हैं। फिर तुलसी में पूजा किया, यहाँ पूजा किया, दोनों जगह गन्ने और सिंघाड़े से पूजा होती है। फिर नीचे आए हम लोग, ऊपर से पूजा करके नीचे आए, तो हमने सबको बोला, हमने कहा आज के दिन गन्ना और सिंघाड़ा जरूर खाना चाहिए, खाना चाहिए। हम लोग भी, मम्मी बचपन में नींद से उठा उठा के खिलाती थी, क्योंकि ये पूजा रात ही में होती है, मतलब शाम को 7-8 बजे के बीच में ये पूजा होती है, तो हम लोग सो जाते थे, मम्मी हमारे उठा के हम लोगों को ये ज़बरदस्ती खिलाती थी कि आज के दिन ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने खिलाया, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसको खाने की अकल ही नहीं, इसने कभी गन्ना खाया ही नहीं है, और इसके पापा छील छील के इसको दे रहे थे, तो ये खा रही थी, पीस पीस करके खा रही थी। हाँ भैया, इतना परेशान ना किया करो कि यार आदमी चला जाए। पापा क्या हुआ? यार स्टेयरिंग मिलेगी। अरे यार ये तड़बड़ा दो। आज इन दोनों को बहुत दिनों बाद क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिला, बेचारे बहुत एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो साथ में मस्ती हो रही थी दोनों की।